हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कीबोर्ड ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। आखिर ये कीबोर्ड वाला ऑप्शन है क्या और ये ईज ऑफ एक्सेस सेटिंग के अंदर काम कैसे करता है। तो दोस्तों, मैं पहले आपको बता देता हूँ आप इस ऑप्शन तक आएंगे कैसे, क्योंकि जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको तो पता ही होगा कि यहाँ तक कैसे आना है। नए वाले जो सब्सक्राइबर हैं, मैं उनको बता देता हूँ कि आप यहाँ तक आएंगे कैसे, तो मैं इनको कट कर देता हूँ। तो दोस्तों, कीबोर्ड वाले ऑप्शन तक पहुँचने के लिए आप सबसे पहले स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से सेटिंग के अंदर चले जाइए। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे ईज ऑफ एक्सेस का ऑप्शन मिलेगा, इसी के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करेंगे तो ये देखिए दोस्तों, नीचे आपको कीबोर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों, ईज ऑफ एक्सेस के अंदर मैंने ऊपर के इन सभी वीडियोस को बना दिया था, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो देख लीजिए। इस वीडियो में मैं बस कीबोर्ड वाले ऑप्शन के बारे में बात करूंगा, तो चलिए इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, राइट साइड में कैसा पेज आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, तो हम सभी को एक एक करके कवर करेंगे, आखिर ये है क्या। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, पहले आप देख लीजिए हम इस वीडियो में कवर क्या करेंगे। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिख कर रखा हुआ है, इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टिकी कीज क्या होती है, टॉगल्स की क्या होती है, फिल्टर कीज क्या होती है और एक्सेस की क्या होती है। अगर दोस्तों आप इन चारों को जान जाएंगे तो आप कीबोर्ड के मास्टर बन जाएंगे, यानी दोस्तों आपको कीबोर्ड चलाना बहुत ही ईजी हो जाएगा अगर आप इन चारों को समझ जाते हैं। तो दोस्तों, ये एडवांस लेवल की वीडियो है जो आपको कीबोर्ड के बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा और इन चारों प्रकार की चीज को समझिएगा, आखिर ये है क्या और ये काम कैसे करती है। तो दोस्तों, हम अपने ईज ऑफ एक्सेस में जो कीबोर्ड वाला ऑप्शन है वहाँ पे चलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो यहाँ पे जितनी चीजें हैं, चलिए एक एक करके सभी को कवर करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला ये वाला ऑप्शन है, यहाँ पे लिखा हुआ है यूज द स्क्रीन कीबोर्ड। तो दोस्तों, अगर आपको स्क्रीन कीबोर्ड चाहिए इस तरीके से, तो आप यहाँ से इसको सिंपली ऑन करके कभी कदार हल्का फुल्का ये स्क्रीन कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको जरूरत हो रही है। तो ये सिंपली एक छोटा सा कीबोर्ड होता है जहाँ पे आप नॉर्मल काम वगैरह कर सकते हैं, कोई नंबर एंट्री करना हो या कुछ लिखना हो तो हल्का फुल्का ये काम करने में मदद करता है। तो दोस्तों, इस वाले कीबोर्ड को आप शॉर्टकट की के मदद से भी ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप विंडोज बटन, कंट्रोल बटन और ओ बटन दबाएंगे, विंडोज कंट्रोल और ओ मैंने दबाया, तो ये देखिए ये फिर से खुल जा रहा है। तो आप इसको शॉर्टकट के मदद से भी ओपन कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम अगले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं जो कि है स्टिकी की। तो दोस्तों, अब यहाँ से वीडियो को काफी ध्यान से देखिएगा, मैं बात करने वाला हूँ स्टिकी कीज होती क्या है। तो दोस्तों, हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे शॉर्टकट की होते हैं। जैसे दोस्तों, अगर आपको किसी चीज को कॉपी करना होता है तो हम कंट्रोल सी दबाते हैं तो वो कॉपी हो जाता है, अगर उसको पेस्ट करना हो तो कंट्रोल वी दबाते हैं तो पेस्ट होता है। अगर दोस्तों हमको अपने कंप्यूटर को बंद करना होता है तो हम अल्टर F4 दबाते हैं तो हमारा कंप्यूटर बंद हो जाता है। तो दोस्तों, इसी तरह हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे शॉर्टकट की होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते ही रहते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम किसी शॉर्टकट की का मतलब शॉर्टकट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं तो हमें उस बटन को दबाए रखना पड़ता है। जैसे दोस्तों, अगर मुझे किसी भी चीज़ को कॉपी करना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू दिखाता हूँ, जैसे ये जो ऑप्शन, अब ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर मुझे इसको कॉपी करना है तो मैं पहले इसको सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद कंट्रोल और सी दबाऊंगा। तो दोस्तों, मुझे यहाँ पे कंट्रोल बटन को दबाए रखना पड़ता है। इसी तरह दोस्तों, बहुत सारे शॉर्टकट मेथड हैं जिनमें हमको बटन को दबाए रखना पड़ता है। तो दोस्तों, इस बटन को दबाए रहने से हम दूसरे कीज तक आसानी से नहीं पहुँच पाते हैं। अगर दोस्तों आप इस बटन को जो आप होल्ड करके रखते हैं, अगर आप इसको नहीं चाहते कि आप बटन को होल्ड करके ना रखें और साथ ही साथ अपना शॉर्टकट भी इस्तेमाल कर सकें, तो दोस्तों उसी के लिए ये स्टिकी कीज होती है। स्टिकी कीज को जैसे ही आप इनेबल करेंगे तो दोस्तों आपको किसी भी बटन को दबाए नहीं रखना पड़ेगा और साथ ही साथ आप अपने शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी इसका एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ कि आप बिना किसी बटन को होल्ड किए हुए भी शॉर्टकट की का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको यहाँ से ऑन कर दीजिए। तो दोस्तों, इसको ऑन करने के लिए एक शॉर्टकट मेथड भी होता है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, जैसे ही आप शिफ्ट बटन 5 बार दबाएंगे तो ये स्टिकी की ऑन भी हो जाएगा और जैसे ही 5 बार दबाएंगे तो ये ऑफ भी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये शॉर्टकट की का इस्तेमाल करने के लिए आपको यहाँ पे टिक लगाना होगा। जब यहाँ पे टिक लगा होगा तभी आपका स्टिकी की 5 बार दबाने से ऑन ऑफ होगा। तो दोस्तों, पहले मैं आपको स्टिकी की का एग्जाम्पल बता देता हूँ, उसके बाद ये नीचे के जो चार ऑप्शन है इनके बारे में बात करते हैं। तो पहले मैं आपको स्टिकी की का एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। तो मैं पहले इसको ऑन कर देता हूँ। दोस्तों, आप शॉर्टकट के मदद से भी ऑन कर सकते हैं, तो मैंने इसको ऑन कर दिया है। अब चलिए मैं इसको आपका प्रैक्टिकली मतलब इसका यूज करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मैं इसी का एग्जांपल लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ।
तो दोस्तों अब इसको मुझे कॉपी करना है। तो दोस्तों कॉपी करने के लिए मुझे कंट्रोल बटन को दबाए रहना पड़ता था, उसके बाद सी कर बटन दबाता था तब ये कॉपी होता था। लेकिन दोस्तों अब देखिए, मैं बस कंट्रोल बटन दबाऊंगा लेकिन उसको होल्ड पे नहीं रखूंगा, यानी उसको दबाए नहीं रहूंगा। उसके बाद दोस्तों मैं सी बटन दबाऊंगा तो ये मेरा कॉपी हो जाएगा। जैसे देखिए, मैंने कंट्रोल बटन दबाया, उसके बाद मैंने सी बटन दबाया, अब दोस्तों ये देखिए कॉपी हो गया। अब दोस्तों अगर मुझे इसको फिर से कहीं पे पेस्ट करना है तो मैं कंट्रोल बटन दबाऊंगा, उसके बाद वी दबाऊंगा, तो देखिए दोस्तों ये मेरा पेस्ट हो गया। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे मैंने कंट्रोल बटन को दबाया नहीं रखा था, अब इसका प्रैक्टिकली खुद भी यूज करके देख लीजिएगा। अब दोस्तों अगर मुझे इसको सिलेक्ट करना है, पूरे चीज को टेस्ट को सिलेक्ट करना है, तो मैं कंट्रोल बटन और ए बटन दबाऊंगा तो ये मेरा पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जब हम पुराने मेथड से इसको सिलेक्ट करते थे तो मुझे कंट्रोल बटन दबाए रहना पड़ता था, उसके बाद जब मैं ए दबाऊंगा तब ये पूरा सिलेक्ट होता था। लेकिन दोस्तों स्टिकी की का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मुझे किसी भी बटन को होल्ड नहीं करना पड़ेगा, सिंपली मैं उस बटन को दबाऊंगा। देखिए जैसे मैंने कंट्रोल बटन दबाया, उसके बाद ए बटन दबाया, तो देखिए दोस्तों ये मेरा पूरा सिलेक्ट हो गया। तो दोस्तों स्टिकी की में यही हमको फायदा मिलता है कि हमको किसी भी बटन को होल्ड करके नहीं रखना पड़ता। आप जिस भी शॉर्टकट का इस्तेमाल करना चाहते हैं बस सिंपली लाइन वाइज उस बटन को दबाते रहिए, आपका ये काम करता चल जाएगा। तो होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। इसका प्रैक्टिकली खुद प्रैक्टिस करके देखिए, आपको ये समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अब हम ये नीचे के इन ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, आखिर ये है क्या। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ टिक लगा देता हूँ ताकि आप अगर वो शॉर्टकट की मदद से काम करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ नीचे के ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है शो द स्टिकी की आइकन ऑन द टास्क बार। तो दोस्तों अगर आप आपके कंप्यूटर में स्टिकी की ऑन है तो यहाँ पे आपको एक आइकन के रूप में भी दिखाई देगा कि आपका स्टिकी का आइकन ऑन है, मतलब ये फीचर ऑन है, तो आपको टास्क बार में उसका एक छोटा सा आइकन दिख जाएगा। अभी दोस्तों मेरे में नहीं दिख रहा है क्योंकि मेरे में यहाँ पे ढेर सारे आइकन है तो उसका आइकन नहीं दिख पा रहा है। अगर मैं इसको रिस्टार्ट करूंगा तो मुझे ये दिख जाएगा। अब दोस्तों अगले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे लिखा लॉक द मॉडिफायर की व्हेन प्रेस्ड ट्वाइस आरओ। तो दोस्तों हमारे की में मॉडिफायर कीज होते हैं ये शिफ्ट कंट्रोल विंडोज और अल्टर, इन्हीं के मदद से दोस्तों हम अलग अलग तरीके के शॉर्टकट की इसका इस्तेमाल करते हैं। शिफ्ट कंट्रोल विंडोज और अल्टर है दोस्तों ये क्या होते हैं, मॉडिफायर कीज होते हैं। इन्हीं चारों बटन का इस्तेमाल करके हम अलग अलग तरह के शॉर्टकट बटन मतलब बनाते हैं। तो दोस्तों अगर आप किसी भी वो मॉडिफायर की को दो बार दबाते तो वो लॉक हो जाएगा, उसके बाद आपका नेक्स्ट वाला शॉर्टकट की काम नहीं करेगा। तो इसके टिक रहने से हमको ये फायदा मिलता है। अब दोस्तों हम अगले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं जो लिखा हुआ है टर्न ऑफ स्टिकी की व्हेन टू मॉडिफायर कीज प्रेस एट द सेम टाइम। तो दोस्तों अगर आप दो मॉडिफायर कीज एक साथ दबा देते हैं तो मॉडिफायर कीज कौन कौन से होते हैं मैंने आपको अभी बताया, शिफ्ट कंट्रोल विंडोज अल्टर, ये क्या होते हैं हमारे मॉडिफायर कीज। अगर दोस्तों आप दो मॉडिफायर कीज एक साथ दबा देते हैं तो आपका जो वो स्टिकी कीज वाला जो फंक्शन है ये क्या होगा, आपका ऑफ हो जाएगा, यानी ये काम ही नहीं करेगा। तो दोस्तों आपको फिर से आके यहाँ इसको ऑन ऑफ करना होगा, तब जाके आपका स्टिकी की वाला ऑप्शन काम करना स्टार्ट कर देगा फिर से। अब दोस्तों लास्ट वाले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ प्ले अ साउंड व्हेन मॉडिफायर कीज इज प्रेस्ड एंड रिलीज। तो दोस्तों अभी आपने देखा था जब मैं यहाँ पे शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल कर रहा था तो देखिए आपको हल्की सी ब्लिंक स्क्रीन कर रही थी और साउंड आ रही थी। तो दोस्तों ये इसी के वजह से आ रही थी क्योंकि ये दोस्तों ये जो लास्ट फोर्थ नंबर पे क्लिक था ये इसी के वजह से आ रही थी। अगर दोस्तों आप ये साउंड और ये ब्लिंकिंग नहीं चाहते हैं तो आप इसको एक हटा दीजिए। अब जैसे ही दोस्तों मैं यहाँ पे कोई भी मॉडिफायर की दबाऊंगा तो देखिए दोस्तों ना ब्लिंक कर रही है ना आवाज आ रही है, लेकिन दोस्तों आपका स्टिकी की का फंक्शन वैसा ही काम करेगा। आप कुछ भी कॉपी पेस्ट कुछ भी शॉर्टकट की का यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको कोई भी आवाज या कोई भी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश वगैरह नहीं आएगा, आपका स्टिकी की वैसा ही काम करेगा। अब दोस्तों अगले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अगला है यूज टॉगल कीज। तो दोस्तों पहले मैं स्टिकी कीज को ऑफ कर देता हूँ, उसके बाद टॉगल्स की के बारे में बात करता हूँ। तो दोस्तों अब हम टॉगल्स की के बारे में बात करेंगे, आखिर ये टॉगल्स की होते क्या है। तो दोस्तों जैसे मैं इसको ऑन करूंगा, अब देखिए इसको ऑन करने के बाद जब भी मैं कैप्स लॉक नम लॉक और स्क्रॉल लॉक इन बटन को दबाऊंगा तो मेरी स्क्रीन क्या करेगी, ब्लिंक करेगी। जैसे देखिए मैंने जैसे ही दोस्तों दबाया आपने अभी देखा कि मेरी स्क्रीन ब्लिंक कर गई। तो दोस्तों इसके ऑन होने से ये फायदा होता है कि जब भी हम कैप्स लॉक नम लॉक और स्क्रॉल लॉक इन बटन को दबाते हैं तो हमारी स्क्रीन हल्की से ब्लिंक करती है और हल्की से साउंड भी आती है। तो अगर आपको इसको यूज़ करना है तो कर लीजिए, नहीं तो इसको ऑफ रहने दीजिए। तो दोस्तों इस फीचर को इनेबल करने के लिए एक शॉर्टकट की भी होता है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रेस एंड होल्ड द नम लॉक कीज 5 सेकेंड टू ऑन
टर्न ऑन दिस टॉगल की। तो दोस्तों इस फीचर को इस्तेमाल मतलब शॉर्टकट की मदद से ऑन करने के लिए आपको जो नॉम लॉक की है इसको 5 सेकंड तक होल्ड करने रहना होगा, यानी नॉम लॉक की को आपको 5 सेकंड तक दबाए रखना है। जैसे ही दोस्तों आप उसको 5 सेकंड तक दबाए रखेंगे तो आपका ये टॉगल की वाला फीचर शॉर्टकट के मदद से भी ऑन ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों इसको हम मैनुअली यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं या तो शॉर्टकट की के मदद से भी ऑन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको इस फीचर को शॉर्टकट की के मदद से ऑन ऑफ करना है तो पहले आप यहाँ पे टिक लगा दीजिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे टिक नहीं लगा होगा तो ये आपका शॉर्टकट की के मदद से ऑन ऑफ नहीं होगा। तो अगर आपको इसको ऑन करना है तो यहाँ कर लीजिएगा। अब दोस्तों हम अगला फिल्टर की इसके बारे में बात करेंगे, आखिर ये फिल्टर की क्या है और ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों इस फिल्टर की को समझने के लिए पहले मैं चलिए आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो चलिए मैं अपनी होम स्क्रीन पे आ जाता हूँ। ये देखिए दोस्तों मैंने विंडो मैंने अपने माउस का राइट बटन दबाया। अभी आप दोस्तों यहाँ पे देख रहे होंगे किसी भी ऑप्शन के नीचे अंडरलाइन नहीं आ रही है। जैसे दोस्तों यहाँ व्यू लिखा हुआ है, रिफ्लेस लिखा हुआ है, यहाँ पे दोस्तों बहुत सारी चीज़ लिखी हुई है, किसी के नीचे आपको अंडरलाइन नहीं दिख रहा होगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ उसके बाद अगर मैं किसी भी ऑप्शन के नीचे जाता हूँ तो देखिए आपको अंडरलाइन दिख रहा होगा। तो दोस्तों आखिर इस अंडरलाइन का मतलब क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे अंडरलाइन का सीधा सीधा मतलब यही है कि इस चीज को आप शॉर्टकट की के मदद से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए यहाँ पे रिफ्रेश के नीचे आपको अंडरलाइन दिख रहा है, तो दोस्तों रिफ्रेश के नीचे अंडरलाइन दिख रहा है इसका मतलब यही है कि हम रिफ्रेश कंप्यूटर को रिफ्रेश शॉर्टकट की के मदद से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हम कंप्यूटर को रिफ्रेश शॉर्टकट की के मदद से कर सकते हैं तो वो कौन सा बटन होगा? तो दोस्तों वो बटन है F5। ये देखिए जैसे ही मैं F5 दबा रहा हूँ तो मेरा की क्या हो रहा है कि रिफ्रेश हो रहा है। तो दोस्तों इसी तरह हमारे कंप्यूटर में जो भी ऑप्शन होगा या जो भी सेटिंग होगी अगर वो शॉर्टकट की के मदद से की जा सकती है तो उसके अंदर अंडरलाइन लाने का काम ये वाला ऑप्शन करता है। ये देखिए दोस्तों जो ये ऑप्शन है, जो भी सेटिंग या जो भी ऑप्शन हम शॉर्टकट की के मदद से कर सकते हैं उसके अंदर ही अंडरलाइन लाने का काम करता है। तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी मेन फीचर है, इसको आप इसको ऑन ही रखिए, क्योंकि अगर दोस्तों इसको अब ऑन रखेंगे तो आपको बहुत सारी सेटिंग के बारे में पता चल जाएगा, बहुत सारे शॉर्टकट के बारे में पता चल जाएगा जो कि दोस्तों शॉर्टकट की के मदद से एक्सेस किया जा सकता है। तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फीचर है। अब दोस्तों हम अगले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं जो कि है प्रिंट स्क्रीन शॉर्टकट। तो दोस्तों इसका यही काम होता है कि हमारे कंप्यूटर के ऊपर एक स्क्रीन शॉट लेना। तो दोस्तों मोबाइल में स्क्रीन शॉट लेने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे 3 फिंगर से हम मोबाइल में स्क्रीन शॉट ले लेते हैं, या पावर बटन और होम बटन दबाने से हम अपने मोबाइल में क्या करते हैं स्क्रीन शॉट लेते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हमें अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में स्क्रीन शॉट लेना है तो उसके लिए क्या करना होगा? तो दोस्तों उसके लिए हमें अपने बटन पे प्रिंट स्क्रीन बटन दबाना होगा। लेकिन दोस्तों प्रिंट स्क्रीन बटन दबाने से आपका स्क्रीन शॉट तब लेगा जब ये ऑप्शन ऑन होगा। तो दोस्तों इसको ऑन कर दीजिए, उसके बाद आप अपने कंप्यूटर में प्रिंट स्क्रीन बटन को दबा दीजिए। अभी दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रिंट स्क्रीन बटन होता क्या है, कहाँ पर है। तो मैं अपना कीबोर्ड खोल लेता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर लिखा होगा PRTSCN। तो दोस्तों इसी को प्रिंट स्क्रीन वाला बटन कहा जाता है। आप जैसे ही इसको दबाएंगे आपका शॉर्टकट ले लिया जाएगा। मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं इसी का ही एक आपको मतलब स्क्रीनशॉट लेके दिखाता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने इसको पर क्लिक किया तो देखिए ये दोस्तों स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला। आप दोस्तों मुझे जितने एरिया का स्क्रीनशॉट लेना है मैं सिंपली उतने एरिया को बस यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे इतने एरिया का लेना था तो मैं इतने एरिया का लेके इसको बस छोड़ देता हूँ। उसके बाद देखिए दोस्तों मेरा ये स्क्रीनशॉट ये देखिए लिया जा चुका है। अगर आपको इसको अगर लेना है तो साइड पे कहीं पे क्लिक कर दीजिए, अगर आपको दोस्तों ये स्क्रीनशॉट नहीं लेना है तो बस इसको सिंपली कट कर दीजिए। तो इसी तरह दोस्तों आप अपने कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट को लेने के लिए इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों हम अगले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ मेक इट टू इजियर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है शो वार्निंग मैसेज व्हेन टर्निंग ऑन स्टिकी की टॉगल की और फिल्टर की। तो दोस्तों अगर आप अपने कंप्यूटर में स्टिकी को इनेबल करते हैं, टॉगल्स की को इनेबल करते हैं, या फिल्टर की को शॉर्टकट की मदद से इनेबल करते हैं, यानी शॉर्टकट की मदद से इनेबल करेंगे तो आपको यहाँ पे मैसेज आता है। तो उस मैसेज पे जैसे ही हम करते हैं कि तभी आपको वो एक्टिवेट होता है। अगर दोस्तों आप वो मैसेज नहीं चाहते हैं, आप डायरेक्ट ही शॉर्टकट की मदद से उस फीचर को इनेबल करना चाहते हैं तो यहाँ से ऑन ऑफ कर दीजिए। अगर ऑफ करेंगे तो आपको कोई भी वार्निंग मैसेज नहीं आएगा, आप शॉर्टकट की मदद से डायरेक्ट वो स्टिकी की टॉगल की और फिल्टर की को इनेबल कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों अगर आप साउंड वगैरह नहीं चाहते हैं, देखिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है मेक अ साउंड व्हेन टर्निंग
स्टिकी की, टॉगल की और फिल्टर की। यानी दोस्तों जब भी आप स्टिकी की, टॉगल की और फिल्टर की को इनेबल करते हैं तो आपको एक साउंड आती है। अगर दोस्तों आप वो साउंड वगैरह नहीं चाहते तो यहाँ सिंपल इसे अनटिक कर दीजिए, आपको वो साउंड वगैरह नहीं आएगी जब वो फीचर या जब भी वो ऑप्शन इनेबल होगा। तो दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसको यूज़ कैसे कर रहा है। अब दोस्तों हम अगले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं जो कि लिखा हुआ है चेंज द अदर टाइपिंग ऑप्शन। तो दोस्तों जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम टाइपिंग वाले पेज पर आ जाएंगे। तो दोस्तों इस टाइपिंग वाले ऑप्शन के बारे में मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया दिया था, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख लीजिएगा। तो दोस्तों टाइपिंग वाले, अब दोस्तों हम राइट साइड में जो कुछ ऑप्शन दिए इनके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों टाइपिंग वाला ये फिर से आ गया। तो इस टाइपिंग वाले का वीडियो दोस्तों मैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप टाइपिंग वाला जाके देखना होगा तो देख लीजिएगा। अब दोस्तों लैंग्वेज एंड शॉर्टकट, लैंग्वेज एंड कीबोर्ड सेटिंग, दोस्तों इसके ऊपर भी मैंने एक बार वीडियो बनाया था, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा, आप जाके इसको देखना होगा तो देख लीजिएगा। अब दोस्तों हम गेट हेल्प और फीडबैक के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों हर लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग होता है जिसकी वजह से उस उन लोगों के जो कंप्यूटर होता है कुछ ऑप्शन ज़्यादा दिए जाते हैं, कुछ ऑप्शन कम दिए जाते हैं, तो उनको कुछ प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों आपको अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप सिंपली माइक्रोसॉफ्ट के बॉट के द्वारा टाइपिंग के मदद से उनसे बात कर सकते हैं और अपने समस्या को बता सकते हैं। तो दोस्तों इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए आप पहले इंटरनेट से अपने डिवाइस को कनेक्ट कर लीजिए, उसके बाद सिंपली आप उनके बॉट्स के मदद से यहाँ से बात कर सकते हैं। अब दोस्तों अगले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं फीडबैक, यानी दोस्तों आपको कोई भी सेटिंग के बारे में, किसी भी सेटिंग या किसी भी ऑप्शन के बारे में कुछ माइक्रोसॉफ्ट को सलाह देना है या कुछ उनको बताना है कि इनको इस तरह कर दीजिए, तो आप उनको यहाँ फीडबैक वगैरह भी दे सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, होप आपको ये कीबोर्ड वाला वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जितनी भी चीज़ें थी लगभग मैंने सभी कवर कर दी। फिर भी दोस्तों अगर कुछ रह गया या कुछ छूट गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के द्वारा बता दीजिएगा, मैं आपको उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, होप आपको ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो उसको लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों एक आपके एक लाइक से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि दोस्तों इन सब वीडियोज़ को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगानी पड़ती है। तो दोस्तों आप लाइक और कमेंट के द्वारा मेरा उत्साह बढ़ाइए ताकि मैं आगे चल के इसी तरह का वीडियो देता रहूँ। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।